रिफ्रैक्शन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानने वाली है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आता है ना, RI इंडेक्स, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इवन ज़्यादातर बच्चे जो टेंथ में होते हैं ना, उनको अक्सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो, तुम ये सुने होगे कि एक डेंसिटी टर्म होता है जिसको हम फिजिकल डेंसिटी कहते हैं, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। जैसे कमरे में 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका सबका मास 50-50 kg मान लो, एग्जाम्पल समझने के लिए। तो 5 बच्चे हैं तो 250 किलोग्राम उसका मास हो गया उन बच्चों का, ठीक है। और कमरे का एक फिक्स डायमेंशन है, उसका वॉल्यूम होगा, तो उस कमरे की कुछ डेंसिटी होगी, उस कमरे के अंदर की कुछ डेंसिटी होगी। अगर 4 बच्चे और आ जाएं 50-50 kg के, तो मास बढ़ जाएगा, कमरे की साइज़ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उस केस में हम कहेंगे कि डेंसिटी बढ़ गई। तो ये चीज़, ये एग्ज़ाम्पल है फिज़िकल डेंसिटी का। उसके और एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी लाइट के लिए कोई मीडियम कैसा बिहेव कर रही है। और जब आप बात करते हो कोई मीडियम कितना फिजिकली डेंस है और कोई मीडियम लाइट के लिए कितना डेंस है, दोनों में फ़र्क है। पॉइंट समझ आया? कोई मीडियम लाइट के लिए कितना डेंस है, कम डेंस है, ज़्यादा डेंस है, तो उसको ऑप्टिकली डेंस बोला जाता है कि ऑप्टिकली डेंस ज़्यादा है कि कम है। लेकिन कोई मीडियम में मास और वॉल्यूम के कॉन्टेक्स में जब डेंसिटी निकाली जाती है तो उसको फिजिकली डेंस बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पानी के ऊपर एक टर्पेंटाइन ऑयल का ड्रॉप हम डालते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, कुछ हिस्सा पानी के अंदर चला जाता है। तो यानी ये सिंक नहीं किया, इसका ये तो मतलब है। तो इस ड्रॉप टर्पेंटाइन ऑयल को हम जनरली बोलते हैं तारपीन का तेल। तो जब पानी के ऊपर डाला जाता है तो ये तैरता है, तो इसका ये मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है और बायोंसी फोर्स जो ऊपर लग रहा है, तो कौन बड़ा है? बायोंसी फोर्स बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तभी तो ये ऊपर तैर रहा है, ठीक है। तो देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू जनरली होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मास को लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो ये मास किसका है? ये ऑयल का। और इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, टर्पेंटाइन ऑयल को। अगर मैं ऑयल कह रहा हूँ और ये नीचे जो है पानी है, वाटर है, तो ये मास किसका हुआ? ये ऑब्जेक्ट का, यानी ऑयल का मास हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में मास ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। जबकि बायोंसी फोर्स में क्या यूज़ किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कौन है? वाटर की डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। और वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का कौन सा यूज़ किया जाता है? जो पानी के अंदर होता है, ये पॉइंट याद रखना। पानी के अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो बायोंसी फोर्स में यूज़ किया जाता है। पानी के बाहर वाला जो वॉल्यूम होता है उसको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, बायोंसी फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट किसको हम कह रहे हैं? टर्पेंटाइन ऑयल को कह रहे हैं। और लिक्विड कौन है? लिक्विड है पानी, वाटर, जो इस कंटेनर में भरा हुआ है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। ये फिजिकली डेंस है। कौन? वाटर। वाटर फिजिकली डेंस माना जाएगा यहां पर, और टर्पेंटाइन ऑयल लेस फिजिकली डेंस है। क्लियर है? डाउट है? ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब हम बात कर रहे हैं, तो अब बात करेंगे ऑप्टिकली डेंस की। जैसे हमने दो मीडियम हमने बना दिए, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, ऊपर एयर, नीचे ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल यानी टारपिन का तेल, यहाँ पर मीडियम है, दो मीडियम है, एयर वाटर, यहाँ एयर और टर्पेंटाइन ऑयल। तो जब लाइट रे इंसिडेंट होती है इस दोनों के इंटरफेस पे, ये क्या है? ये लाइन इंटरफेस है, बॉर्डर है, बाउंड्री कहा जाए एयर और वाटर का। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 डिग्री है,
एज्यूम करो ये लाइट रे आई, इधर भी लाइट रे आई, 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुई, एज्यूम कर लो। अब ये जब वाटर में जाएगी तो क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एयर से, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। एक्चुअल पाथ ये था और ये थोड़ा सा बेंड हो गई और ये मान लो 3 डिग्री शिफ्ट कर गई, तो ये कितना हुआ 27 डिग्री। ऑब्वियस बात है लाइट कितना डेविएट हो गई अपने पाथ से 3 डिग्री। ठीक है, जब इसमें लाइट रे एयर से ऑयल में जाने वाली है तो अब ये भी एयर से ज़्यादा डेंसिटी वाला है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है ऑयल की डेंसिटी कम है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उतना ज़्यादा डेविएट नहीं होगा अपने पास से, 2 डिग्री हो जाएगा, 1.5 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये लाइट जब ऑयल में गई तो ज़्यादा डेविएट हो गई, 4 डिग्री डेविएट हो गई, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 26 डिग्री। करेक्ट है, ज़्यादा डेविएट हो गई लाइट। तो इसका ये मतलब है कि ऑयल जो है वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है इन कंपेयर टू वाटर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये वही यही जानकारी देता है कि कोई मीडियम लाइट के लिए कितना ज़्यादा डेंस है। और यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि ऑयल जो है वाटर के कंपेयर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, ऑयल कौन सा है, टर्पेंटाइन ऑयल जिसको हम लोग टारपीन का तेल बोलते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा है वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। लेकिन फिजिकली डेंस के मामले में, फिजिकली डेंस के मामले में वाटर ज़्यादा फिजिकली डेंस है इन कंपेयर टू ऑयल, लेकिन ऑप्टिकली डेंस के मामले में टर्पेंटाइन ऑयल ज़्यादा डेंसर है इन कंपेयर टू वाटर। तो ज़्यादातर केसेस में जो मीडियम फिजिकली डेंस होते हैं वो ऑप्टिकली डेंस भी होते हैं। यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, टर्पेंटाइन ऑयल जो कि फिजिकली डेंस नहीं है वाटर से लेकिन ऑप्टिकली वाटर से ज़्यादा डेंस है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि कोई मीडियम लाइट के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, लाइट के लिए वो ज़्यादा डेंसिटी शो कर रहा है या कम डेंसिटी शो कर रहा है। ज़्यादा डेंसिटी होगा तो लाइट को चलना मुश्किल हो जाएगा उस मीडियम में, धीरे धीरे चलेगी, उसकी वेवलेंथ भी छोटी हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट याद रखना है, जब कोई मीडियम लाइट के लिए ज़्यादा डेंस होता है यानी ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस होता है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। यानी अगर कोई पूछे ऑयल अगर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है तो ऑयल में जो स्पीड होगी लाइट की वो कम होगी इन कंपेयर टू वाटर। ये पॉइंट याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाओगे, भूल जाओगे तो मार भी खाओगे, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से।